हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी किचन में आपका स्वागत है। बच्चों की फेवरेट डोरेमन और डोरेमन की फेवरेट डोरा केक, तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही टेस्टी डोरा केक। इसको बनाना बहुत ही सिंपल होती है और आसान भी। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं सुपर टेस्टी डोरा केक को बनाना। और उसके बाद यहाँ पे मिल्क पाउडर को भी हम लोग छन्नी से छान के ही ले लेंगे। और साथ में हम लोग लेंगे एक आधा टीस्पून करीब बेकिंग सोडा। याद रखिए, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। सारी चीज़ को अच्छे से ऐसे छन्नी से छान के लेने से अच्छे से मिल जाएगा वो आप। और यहाँ पे सारी चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे। तो सारी चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक चम्मच शहद, और यहाँ पे मैं एक कप दूध ली हूँ, आधा आधा करके मिला के डालेंगे और मिलाते जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा बस इतना मेरा दूध बच गया है, तो उसको साइड कर लेते हैं। अच्छे से मिला लेते हैं बटर को। तो यहाँ पे मैं सारे मिक्सरन को यहाँ पे मिक्स कर ली हूँ। और ये देख सकते हैं ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। मिक्सरन को यहाँ पे मिक्स कर ली हूँ ऐसे ही। आप चाहें तो यहाँ पे मिल्क पाउडर और शुगर पाउडर को स्किप करके कंडेंसेशन मिल्क को डाल सकते हैं। इसमें भी बहुत बढ़िया फ्लेवर और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलते हैं उसको सेकने को। और डोरा केक बनाने के लिए मैं यहाँ पे पैन को गरम कर ली हूँ। पैन को ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस लो फ्लेम में ही उसको थोड़ा सा गरम करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा घी को इसे स्प्रेड कर लेंगे। और उसके बाद एक टिश्यू पेपर लेकर उसको अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। और किसी भी एक नाप के हिसाब से हम लोग डोरा केक बनाएंगे, नहीं तो डोरा केक छोटा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैटर के यहाँ पर लेके और यहाँ पे सेंटर में ही डालना है और अपने आप वो स्प्रेड होता जाएगा, उसको स्प्रेड नहीं करना है। और बिल्कुल लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। उसको पलटा के बस 30 सेकंड के लिए उसको फिर से पका लेते हैं ढक के। तो 30 सेकंड हो गया है, उसको निकाल देते हैं। ये देखिए हमारा डोरा केक कितना अच्छे से बन के तैयार है। प्लेट में निकाल देते हैं। फिर से थोड़ा सा घी को ऐसे लगा देंगे। फिर से इसे सेंटर में ही डालेंगे। दो मिनट के लिए लो फ्लेम में। तो यहाँ पे हो गया है 2 मिनट, चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। बस 2-3 मिनट के 30 सेकंड के लिए उसको ढक के फिर से पका लेते हैं, सेक लेते हैं, निकाल लेते हैं।
देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा डोरा केक बन के तैयार है। उसको पेन केक भी बोल सकते हैं, उसको सजा भी देते हैं। डोरेमन में जैसे दिखाता था ना, वैसे सजा लेते हैं। ऐसे चॉकलेट सिरप लगा दी हूँ, उसको काट के भी दिखाती हूँ आपको। पेन कितने अच्छे से बढ़िया से बन के तैयार है हमारा डोरा केक। यहाँ पे बन के तैयार है हमारा डोरा केक। आप बनाइए, आपके बच्चे के क्या बोले और कितने डिमांड किए मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।